we will buy a truck which will be our own truck. So आज हम खेलने जा रहे हैं Euro Truck Simulator 2. आज basically कोई gameplay नहीं होने वाला है और एक छोटा सा मैंने आप सभी को teaser बता दिया था. अगर Discord server पे आप सभी लोग वो join हो गए हो तो आप सभी लोग पता चल गया होगा. तो आज की सबसे पहले हम एक strategy बनाएंगे जो हमारी जो ट्रक खरीदनी है उसमें पहले एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं. स्ट्रैटेजी नंबर वन, सबसे पहले तो हम एक ट्रक शॉप में जाएंगे या ट्रक शोरूम में जाएंगे. वहां से देखेंगे कि हमारे लाइक कौन सी ट्रक है और कौन से हमारे बजट में है. फिर उसके लिए अपन को कितने मनी चाहिए होंगे और क्या क्या स्ट्रैटेजीज आगे है वो सब आप सभी को इस वीडियो में होगी. इस वीडियो में केवल हम जाएंगे अब किधर ट्रक डीलर्स के पास. और ट्रक डीलर्स हमारे इतने सारे खुल तो गए हैं तो देख सकते हो फ्रांस में 1, 2, 3, 4 स्कैनिया की. सबसे पहले में हम जाएंगे विजिट सिलेक्टेड डीलर्स. ओके पहुंच गए हैं स्कैनिया के ट्रक डीलर शोरूम में. तो आप देख सकते हो कि क्या क्या लग रही है ये ट्रक. पर ये हमारा अभी लेवल जो करंट लेवल है वो 10 चल रहा है और 11 होने में भी मुझे लगता है एक जर्नी और करनी होगी. तो मेरे हिसाब से लेवल ये लेवल 14 से आएगी. और ये स्कैनिया है R2009 मॉडल और इसका जो 480 HP है वो अपन अपग्रेड कर सकते हैं. तो लास्ट तक मैं यही ले सकता हूँ. 14 लेवल तो बहुत दूर हो जाएगा. ये ट्रक खुद की लेनी पड़ेगी. ये है स्कैनिया S, ये स्कैनिया R सीरीज की है. मैं सोच रहा हूँ 2009 सीरीज की ये मॉडल लो क्योंकि ये लुक भी अच्छी लग रही है. पर उसके लिए मेरे को 6x2x4 की है और इसका 480 HP है. तो आगे से आगे ये पता है कि रेट अमाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं. स्कैनिया S सीरीज हाई रूफ मन तो भाई ये कर रहा है लेने का. कुछ भी करो स्कैनिया S सीरीज 6x2x4 चेसिस इसका हाई रूप है. लेफ्ट हैंडेड है. 520 HP मतलब मेरे को लेवल 16 तक का ये वेट करना होगा. और ये अर्बन ग्रे मेटेलिक एडिशन में है और इसका जो लिस्ट प्राइस शुरू हो रही है वो 2,53,740 यूरोस में है. तो देख सकते हो आप बहुत सही है. पर मन तो ये भी कर रहा है 8x4x4 का. पर सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं बेसिक एक ट्रक तो होनी चाहिए हमारे पास. सोच रहा हूँ ये लेने की या 4x2 या फिर 6x2x4 ये सही रहेगी. पर उसके लिए मेरे को लेवल 14 चाहिएगा. तो अब ये हो जाता है लेवल का चेक कर लिया कि हमारे पास लेवल 14 होगा या 16 होगा तब हम एक ट्रक खरीद सकते हैं. स्ट्रेटेजी नंबर वन कंप्लीट हो गई. हमें पता चल गया कि ओरिजिनल जो बेस्ट ट्रक्स है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 2,53,000 यूरो से और लेवल हमें चाहिए होगा मिनिमम 14. तो हमारे पास अभी भी 4 लेवल्स दूर है हम हमारे लेवल 14 से. और अब अगर बैंक से इसमें बैंक का लोन का सिस्टम भी है तो वो देखते हैं. बैंक हमें 4 यू कैन बोरो. हम बैंक से कुछ 4 लाख यूरोस का लोन ले सकते हैं. तो हमें पर डे 5,788 यूरोस पे करना होगा. पर मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं लेवल इंक्रीज करूंगा और उस हिसाब से शायद तक एक ट्रक अच्छी लेनी है. लेंगे तो भाई 6x2x4 लेंगे या तो फिर 4x2 में मजा नहीं है. 6x2x4 होगी तो यार मजेदार कुछ और होने वाली है. इसके लिए मैंने एपिसोड आप लोग ने देख लिया होगा कि 6 तक क्या चला था क्या हुआ था. इसके लिए मैं सोचा कि भाई अभी हमारे पास करंट जो मनी है इस गेम में Euro Truck Simulator 2 में 85,000 है. मतलब 1 लाख होने वाला है. तो हमें अब कुछ इस तरीके से डिलीवरीज करनी होगी जिससे हमें हमारे लेवल बढ़ते जाए और अमाउंट तो बढ़ेगा ही. तो आज की इस वीडियो में हमने क्रिएट की एक स्ट्रैटेजी जो अगले जो भी Euro Truck Simulator 2 के वीडियोस आने वाले हैं वो इससे रिलेटेड होने वाले हैं.
और इस तो ये वीडियो तो यार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे फर्स्ट एपिसोड से सिक्स एपिसोड या सेवेंथ एपिसोड, सिक्स एपिसोड तक अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट है या पॉडकास्ट दोनों बने हुए हैं, दोनों एक ही है। पॉडकास्ट प्लेलिस्ट थोड़ा सा अलग है, बस ये पॉडकास्ट आप यूट्यूब म्यूजिक पे भी सुन सकते हो अगर आपने यही टाइप किया है नाम, तो वो अलग बात है। पॉडकास्ट प्लेलिस्ट दोनों क्रिएटेड है तो आप जाके चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं फिर और नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। केवल 4 लेवल्स, वी लेव ओनली 4 लेवल टू अनलॉक आवर ट्रक, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। Hello,